तो दोस्तों मैं आ गया रूप पे। ये हमारा पैकेज है। तो ये पैकेज को सब कोई बोलते हैं, पैकेज क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, जो पैकेज नहीं देखा है उनके लिए है, वो सोचते हैं कि क्या इसमें कॉपर पाइपिंग लगता है क्या। तो मैं बता दूँ, ये पैकेज है, पैकेज में कॉपर पाइप नहीं लगता है। एक जो विंडो एसी देखे होंगे, विंडो एसी के सेम रहता है, ये बड़ा है, बाकी इसका प्रोसेस थोड़ा अलग रहता है। ये इसको सेंट्रल एसी भी बोलते हैं हम लोग इसमें। ये तो एक देख सकते हैं, एक हमारा इसमें सप्लाई होता है और एक हमारा रिटर्न होता है। तो एक से हमारा ब्लोअर लगा रहता है, यहाँ से हमारा जो एसी स्टार्ट हो रहा है, कूलिंग करता है, तो ब्लोअर जो फेंके रूम में फेंकता है, उसे डक्ट में फेंकता है, डक्ट के माध्यम से अंदर जाता है, अंदर जाके उस पर ग्रिल लगाते हैं, तो ग्रिल के माध्यम से हमारा एयर हमको मिलता है। और ये सीलिंग के अंदर हमारा डक्ट छुप जाता है, ये रूफ का है तो हमारा लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये है ये प्रोसेस का, इसका कंप्रेसर का प्रोसेस आगे चालू करता हूँ और आपका बताता हूँ। तो इंस्टॉलेशन में मैं बोल रहा था, इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा देखते हैं कितना टीआर का पैकेज है और पैकेज में हमारा कितना इसका लंबाई है, कितना चौड़ाई है, कितना विड्थ है, कितना लार्ग है, उसके इसे मेजरमेंट करके हम ये पहले फाउंडेशन बनाते हैं। फिर उसके बाद से पैकेज को डिलीवरी करते साइट पे, उसके बाद से फिर क्रेन के द्वारा इसको ये फाउंडेशन पर रखते। फाउंडेशन पर रखने की वजह से हमको क्या होता है, ये रबर पैड लगाना पड़ता है कि वाइब्रेट ना हो, नहीं तो अगर रबर पैड नहीं लगाएंगे तो वाइब्रेट होगा, नीचे आवाज़ आएगा कंपन का, इसके लिए होता है। और उसके बाद से फिर ये हमारा इंस्टॉलेशन हो जाता है, फिर डक्ट का काम होता है। डक्ट के काम होने के बाद से फिर हमारा प्रोसेस रहता है वायरिंग का। तो सबसे पहले हम आइसोलेटर लगाता है इलेक्ट्रीशियन, वहाँ से हम वायर लेके जाते हैं, देख रहे हैं हमारा वायरिंग लेके जाते हैं, वायरिंग में ग्लैन लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, वो लगा के हम वायरिंग करते हैं प्रॉपर, देख सकते हैं, और फिर अंदर का वायरिंग करते हैं। तो आइए अब अंदर का वायरिंग दिखाता हूँ। वीडियो बड़ा हो रहा है, काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा, काफ़ी पैकेज के बारे में फुल जानकारी डिटेल्स मिलेगा आप। तो देख सकते हैं मैं इसका पैनल खोल दिया हूँ, और ये अपना केबल है। तो अपना केबल सबसे पहले अपना से यहाँ से दिया है और एंट्री करेंगे, तो देख सकते हैं ये वायरिंग है हमारा, वायरिंग ग्लैंड लगा के हमारा आ गया। ये हमारा अर्थिंग का है बॉडी में, ये देख सकते हैं यहाँ कनेक्ट हो गया है। और ये हमारा थ्री फेस का है वायर, देख सकते हैं न्यूट्रल है, न्यूट्रल इधर छोड़ दिया गया है, और यहाँ पे थ्री फेस RYD लगा दिया गया है, L1 L2 L3 बोल सकते हैं, हर मशीन में हर कंपनी में अलग अलग रहता है। तो देख सकते हैं इसमें रेड का RYB थ्री फेस लग गया है। ये हमारा 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कॉन्टैक्टर है, तीन कॉन्टैक्टर है हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, एक हमारा फैन का है, कंडेंसर फैन जो है मोटर का उसका है, ये दो हमारा है, एक कंप्रेसर का ऑन का, कंप्रेसर टू का, देख सकते हैं। और इधर आ गया है, इधर हमारा थर्मोस्टेट का वायरिंग है, थर्मोस्टेट का। तो थर्मोस्टेट का अब वायरिंग आपको नीचे देखा देना, वैसे हमारा थर्मोस्टेट का वायरिंग ये है, आपको बताया था आर, देख सकते हैं इधर लग गया आर में, और ये हमारा इधर सी लग गया सबसे नीचे। उसके बाद से मैं उधर फैन का दिखाया था ना, उधर जी जी वाला ब्लू वाला इधर लग गया, और येलो वाला जो लगाया था वो Y1 लग गया, ये Y2 लग गया, ये हमारा कंप्रेसर का हो गया। इधर कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 लिखा था, इधर पे Y1 Y2 हो गया, ये हमारा कंप्रेसर का हो गया। इस तरह हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको पावर चेक करके हम इसको ऑन कर सकते हैं, और इधर देख सकते हैं कंप्रेसर है हमारा, कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2। बहुत लोग हमको कमेंट किए थे कि पैकेज में दो कंप्रेसर क्यों होता है, क्या काम होता है दो कंप्रेसर के। तो मैं आपको बताता चलूँ कि VRF भी हम लगाते हैं, तो हमारा अगर 20 HP का है तो हम उसमें दो आउटडोर क्यों डालते हैं, एक आउटडोर से भी हमारा काम हो सकता है, 20 HP का डाल देंगे। लेकिन उसमें खास बात यह रहता है कि जब हम VRF लगाते हैं तो दो आउटडोर इसीलिए डालते हैं, अगर हमारा एक आउटडोर ख़राब हो जाए, एक कंप्रेसर ख़राब हो जाए, तो एक कंप्रेसर से लोड कम करके हम उसको चला सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, दो कंप्रेसर दिया है, अगर एक कंप्रेसर हमारा ख़राब हो जाता है तो एक कंप्रेसर से हम चला सकते हैं। और खास बात ये रहता है कि हमारा दोनों कंप्रेसर एक साथ ऑन नहीं होता है, ये हमारा DC कंप्रेसर है, जैसे जैसे हमारा कूलिंग
हमको रिक्वायर्ड होता है रूम में वो सेंस के हिसाब से, वो ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। जब हमको फुल लोड पर चलने लगेगा तो हमारा दोनों कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, नहीं तो एक कंप्रेसर ही अपना काम चलाने का रहता है तो एक कंप्रेसर से ही काम चल सकता है, तो उसके हिसाब से ही अपना सेंस करके चालू होता है। इसके लिए कंप्रेसर दो होता है, दो कंप्रेसर से इसलिए होता है। तो आइए मैं आपको चालू करेगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसके पावर चेक करते हैं आइसोलेटर में। आइसोलेटर में पावर चेक करते हैं, पहले हम न्यूट्रल चेक करेंगे, न्यूट्रल और R1। इसमें हम चेक करेंगे पहले सिंगल वोल्टेज के 230 मिल रहा है कि नहीं, तीनों में एक करेंगे, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। अगर तीनों हमारा बरोबर है तो समझ सकते हैं हमारा तीनों सिंगल फेस ओके है। उसके बाद से तीनों का R एंड Y चेक करेंगे, हमारा 410 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर Y भी चेक करेंगे, फिर भी और रेड चेक करेंगे, R चेक करेंगे, ऐसे हमारा पावर ओके रहता है। तो फिर हम क्या करते हैं, आइसोलेटर उठाएंगे, ऑन करेंगे, उसके बाद हमारा पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद से फिर हमारा नीचे थर्मो स्टेट में भी लाइट जल जाएगा, लाइट जलेगा फिर वहाँ ऑन करेंगे। तो मैं ऑन कर रहा हूँ, ये प्रोसेस था हमारा पैकेज एसी का पूरा प्रोसेस था। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, वीडियो दो पार्ट में डालेगा, एक नीचे का वीडियो अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो देखेंगे तभी पूरा समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। दोस्तों सब कोई एकदम नॉलेज वाला नहीं होता, सब कोई धीरे धीरे ही सीखता है, कोई मिस्टेक होता है, कोई गलती होता है, तो उससे ही आदमी सीखता है, सीखता ही आगे बढ़ते जाता है कोई भी आदमी। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब कोई काम कर करके ही बड़ा होता है, देख के वीडियो, किसी का सहारा लेके करना पड़ता है। ये कोई किसी का वीडियो देखना, किसी को शेयर करना ये बुरी बात नहीं होता है, उससे नॉलेज मिलता है। बहुत लोग आदमी आके कमेंट करते हैं, कुछ बोलते हैं, भाई उससे कमेंट करने से नहीं होता, आपको जो आदमी है उसको अगर नॉलेज मिलता है उसे नॉलेज लेना चाहिए, जो ख़राब है उसको नज़रअंदाज करना चाहिए, उससे कुछ नहीं सीखना चाहिए, जो अच्छा ही है उसी से सीखना चाहिए उसी काम को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।